कुर्ग, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। कुर्ग साउथ इंडिया का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। कुर्ग फेमस है अपने प्लेजेंट वेदर, ग्रीन माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, टी कॉफी और स्पाइस प्लांटेशन के लिए। कुर्ग इंडिया का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर भी है। यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक राफ्टिंग और ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको कुर्ग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कुर्ग कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा कुर्ग घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप कुर्ग का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुर्ग कर्नाटक में स्थित एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। कुर्ग बेंगलोर से 254 किलोमीटर और मैसूर से 118 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेंगलोर और मैसूर तक आप फ्लाइट या फिर ट्रेन से आ सकते हैं और आगे बस से कुर्ग पहुंच सकते हैं। बेंगलोर से कुर्ग आप KSRTC बस से 460 रुपए में और मैसूर से कुर्ग आप 300 रुपए में पहुंच सकते हैं। बसेज आप ऑनलाइन भी रेड बस की साइट से बुक करवा सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो अगस्त और सितंबर को छोड़कर आप कभी भी कुर्ग आ सकते हैं। आपको यहाँ पर मौसम अच्छा देखने को मिलेगा। अगस्त एंड सितंबर रेनी सीजन रहता है तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। स्टे की बात करें तो होम स्टे, होटल के ऑप्शन आपको कुर्ग में इजीली मिल जाएंगे। एवरेज स्टे की बात करें तो 700 से 1500 की रेंज में आप होम स्टे और होटल ले सकते हैं। कुर्ग में घूमने के लिए आप स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हैं, जो कि आपको 800 से 1000 रुपये पर डे के लिए मिल जाएगी और 2000 रुपये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा, जो कि टोटली रिफंडेबल रहता है। सो कुर्ग में आप सबसे पहले राजा सीट पार्क जा सकते हैं, जो कि मेन सिटी में ही स्थित है, जो कि काफ़ी बड़ा और खूबसूरत पार्क बना हुआ है। यहाँ पर आप सनराइज और सनसेट का मजा ले सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 10 रुपये रहती है। नेक्स्ट आप राजा टॉम जा सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट भी 10 रुपये रहती है। कुछ टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुर्ग सिटी का एरियल व्यू देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप फेमस एबे फॉल जा सकते हैं, जो कि मस्ट विजिट प्लेस है कुर्ग की। एबे फॉल मदिकेरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको काफी अच्छा क्लाइमेट देखने को मिलेगा और आसपास कॉफी और काली मिर्च के बगान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एबे फॉल की एंट्री टिकट 15 रुपये रहती है और टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है। नेक्स्ट आप मंडल पट्टी जा सकते हैं। 1800 मीटर की हाइट पर स्थित ये एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है, जहां पर आप जीप से या फिर ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। मदिकेरी और एबे फॉल से आप शेयर जीप लेकर जा सकते हैं, जिसके चार्जेस 400 से 500 रुपये रहते हैं, जो कि आपको व्यू पॉइंट के पास तक छोड़ती है और वहां से व्यू पॉइंट 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आधे से 1 घंटा आप यहां पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वापस जीप से नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट आप ताल कवेरी जा सकते हैं। ताल कवेरी जो कि मदिकेरी से 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप कुर्ग से KSRTC बस से 100 रुपये में पहुँच सकते हैं। ताल कवेरी कावेरी नदी का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ये 1276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रास्ते में आप भागमंडला टेंपल भी विजिट कर सकते हैं, जो कि काफी बड़ा सा मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर आप टेंपल और ताल विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप दोबारे एलिफेंट कैंप जा सकते हैं, जो कि कुर्ग से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रहती है। दोबारे एलिफेंट कैंप कावेरी नदी के किनारे पर बना हुआ है। दोबारे में आप एलिफेंट सफारी कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 से दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे से 5 बजे की रहती है। और आप यहां पर 500 से 600 रुपए पर पर्सन में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कुर्ग में मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं। यहां पर भी आपको आकर काफी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आप ओमकारेश्वरा टेम्पल जा सकते हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और आप कुर्ग में मदिकेरी फोर्ट, मलाली फॉल्स और ट्रैकिंग भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
फूड की बात करें तो वेज और नॉन वेज फूड दोनों के ही ऑप्शन आपको कुर्ग में मिल जाएंगे। नॉन वेज के ऑप्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक मील की कॉस्ट आपकी 200 से 300 रुपए आ सकती है। सो कुर्ग घूमने के लिए आपको 2 दिन चाहिए होते हैं, जिसका आपका बजट कुछ इस तरह रहेगा। सो अगर आप 2 लोग घूमने आ रहे हैं तो होटल का पर पर्सन कॉस्ट 1500 रुपए रहेगी, मील्स का 1200 रुपए पर पर्सन, साइट सीइंग का 3000 रुपए पर पर्सन अगर आप बाइक हायर कर रहे हैं तो। सो इस तरह से आप 6 से 7 हजार रुपए में कुर्ग आराम से घूम सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड कर अपना कुर्ग का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।